दोस्तों यूपी डीएलएड परीक्षा सेकंड सेमेस्टर, जैसा कि आप सभी को पता है आपके सेकंड सेमेस्टर परीक्षा का अगर देखा जाए तो लगातार आपकी चल रही है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा से किनारा कर रहे हैं, यानी अभ्यर्थी लगातार एब्सेंट हो रहे हैं, परीक्षा से किनारा कर रहे अभ्यर्थी। और देखा जाए तो जो लोग परीक्षा से या कहा जाए जो परीक्षा में एब्सेंट हो रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि भैया क्या हम लोगों को अतिरिक्त मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अतिरिक्त मौका जो है, हालांकि अगर देखा जाए आप मुख्य परीक्षा को छोड़ रहे हैं और आप अतिरिक्त मौके का इंतजार कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से निराधार है। और आपको पता है फोर्थ सेमेस्टर जो है एग्ज़ाम के बारे में जो है एडमिट कार्ड इनका कब जारी होगा और कहाँ गए सेंटर, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम आपके बीच में कुछ अपडेट्स को दिखाना चाहेंगे, जैसा कि पेपर कटिंग आप देख पा रहे हैं। देखिए इधर सेकंड सेमेस्टर परीक्षा के बारे में दिया गया है, द्वितीय सेमेस्टर जो है मैं 49 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। हालांकि ये सिर्फ एक ज़िले की अपडेट्स हैं, ठीक है। अभी जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा संपूर्ण आंकड़ा आना बाकी है कि सेकेंड सेमेस्टर में कितने लोगों ने परीक्षाएँ छोड़ी है। सीसी कैमरे की निगरानी में पहले दिन 859 ने दी परीक्षा और परीक्षा केंद्रों का डायट प्राचार्य ने किया निरीक्षण। केंद्र पर तैनात रहे स्टैटिक मजिस्ट्रेट सचल दस्ते से की निगरानी। यहाँ देखिए कहा जा रहा है डीएलएड 2022 बैच की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार को बस्ती शहर के 3 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई। पहले दिन 859 अभ्यर्थियों ने जो है कैमरे की निगरानी में परीक्षा दी। 49 अभ्यर्थियों ने किसी कारण से परीक्षा छोड़ दी है और वहीं परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए डायट प्राचार्य ने तीनों केंद्रों का अचूक निरीक्षण किया। बस्ती शहर में जो है स्थित राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, गोविंद राम सेक्सोरिया जो है इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से प्रथम पाली में वर्तमान भारतीय समाज की परीक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा में 908 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देनी थी, इसमें से 49 अनुपस्थित रहे। डेढ़ बजे से शुरू हुई द्वितीय परीक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की परीक्षा जो है प्रभारी कुलदीप चौधरी ने बताया कि किसी भी केंद्र से जो है केंद्र से परीक्षा बच्चे को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण कराने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए। इसके अलावा आंतरिक सचल दस्ते ने परीक्षार्थियों की निगरानी मंगलवार को तीनों पालियों में डीएलएड परीक्षा होगी और यहाँ 10 बजे से 1 बजे तक जो है विज्ञान विषय, 11:30 बजे से 12:30 बजे तक गणित तथा दोपहर के बाद जो है 2 बजे से 4 बजे तक सामाजिक अध्ययन की परीक्षा होगी। इधर भी देखिए सेम वही अपडेट्स है, आपने यहाँ सारी चीज़ों को देखा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा जो अतिरिक्त अवसर का इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनली उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपको अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा, ना ही कभी मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ सेकेंड सेमेस्टर एडमिट कार्ड के बारे में आप पूछ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है वो ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। आप अपने कॉलेज से संपर्क करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ गया है सेंटर, आप सेंटर के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया हमारा सेंटर जहाँ पिछली बार गया था क्या वहीं जाएगा। हालांकि ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जब आपका फाइनली एडमिट कार्ड मिलेगा तो वहीं समय ये क्लियर हो पाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है या सेंटर है सेम पहले का ही सेंटर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। हालांकि आपको पता है आपके ज़िले में जहां जो भी ज़िला है आपके उसी ज़िले पर सेंटर होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन अब कॉलेज का जो सेंटर पहले बना था वो परिवर्तन हुआ होगा या नहीं होगा वो फाइनली आपके एडमिट कार्ड मिलने पर ही क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।